ऑल राइट गाइस, कैसे हो तुम सब? मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे और एकदम सेफ होंगे। बहुत बुरा टाइम चालू है गाइस, तो अपने अपने घर में रहो और एकदम सेफ रहो। तो आज की वीडियो मेरी कुछ दूसरी टॉपिक पे होने वाली थी, कुछ दूसरा डालने वाला था मैं, लेकिन दीवान भाई बहुत भड़के हुए है। दीवान भाई बोलता नहीं, ऐसा नहीं जाने दूंगा। तो दीवान भाई ने न्यू डिस्ट्रैक छोड़ दिया है, लगातार दो डिस्ट्रैक आ गए एंड दोनों भी वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो सोचो कैसा मचा रहा है वो। इसे पहले वाला डिस्ट्रैक मुझे इतना खास नहीं लगा, ओके था, लेकिन अभी वाला डिस्ट्रैक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने एक बार सुन लिया हो और फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, और मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा उसके रिलीज को, क्योंकि उसकी रिलीज बहुत फास्ट है। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। और जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं, नीचे लाल कलर का बटन है, उसको तोड़ो मोड़ो, पता नहीं कुछ भी करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए। और बाजू में बेल का आइकन होगा, उसको भी दबा देना एंड इस वीडियो को लाइक करना। वैसे मैं एमिवे का फ़ैन नहीं हूँ ना डिवाइन का फ़ैन, क्योंकि जो अच्छा लगता है मुझे, जो सही लगता है, मैं उसके तरफ जाता हूँ, उसके तरफ से बोलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मालूम है टेक्निकल गुरुजी की कॉपी कर रहा हूँ, वो बोल दिया फ्लो में निकल गया। ठीक है, चलो ज़्यादा फोकस मत करो, चलो चलते आगे। नॉइज़ आती होगी गाइज, ऑडियो में थोड़ी नॉइज़ आती होगी, तो एक्सक्यूज़ करना, क्योंकि मेरे पास कुछ लैपटॉप वगैरह है नहीं एडिट करूँ और नॉइज़ हटा सकूँ। जो भी है मैं फ़ोन से एडिट कर रहा हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करना और लाइक करना यार से, ठीक है? तो चलो चालू कर दे और देखते हैं। वाओ, क्या फास्ट रिलीज जा रहे यार भाई के। तो ये दिख रहा है आपको, जितना उबला उतना जल्दी से छीनना है, मतलब जितना फास्ट एमएबी की ग्रोथ हुई है ना, उतना वो डायरेक्ट नीचे इसको लेके आना है, इसका मेरे ख्याल से मतलब ये है। चलो देखते आगे। ये नंगे पैरों रास्ते में खिला, मालूम है ना एमएबी की वो लाइन है, नंगे पैर निकला था लेकिन आज जूते पे, तो वो ही भेजे थे दिया। मजा आती है भाई जब सुनने। नींबू पछला है और ये देसी दाल है, बहुत गिल्ला है यार ये, इसका बहुत खतरनाक है। एमिवे का गाना आया था सुपर हिट, तो वही तू कॉकरोच में हिट है पहले से मालूम, मतलब समझ रहे आप लोग इसकी रिलिक्स एंड थिंकिंग किधर तक जा रही है। दीवान भाई आई लव यू, एक लाइक तो दीवान के लिए बनता ही है बहुत। ये जो फ्लो गया ना इसका, मैं किंग गार्डन में, बहुत खतरनाक था यार ये, नेक्स्ट लेवल का यार। मेरे को लगता है अभी मेरे को रिप्लाई दे देना चाहिए यार ये सब चीज़ का। चलो वो सब बात में बात करते, आगे देखते हैं। आप लोगों को बताइए, गली बॉय कहीं ना कहीं, आप लोगों को मालूम है गली बॉय कहीं ना कहीं डिवाइन के इससे भी थोड़ा बहुत मैच करता है, तो सीधा भेजे भी दे रहा है गली बॉय के सेट पे तो चाटने आता था। ये जो था ना एक्स का मैसेज मुझे रात में आता था, ये मेरे ख्याल से मुक्ता के लिए बोला है, एंड इसने कंट्रोवर्सी भी हुई थी मुक्ता को लेके कुछ, बहुत खतरनाक जा रहा है ये चीज़ यार, अलग अलग लेवल पे जा रहा है। चलो आगे सुनते हैं। A pure dancer, a national dancer, a pure dancer, a pure dancer, a national dancer, a pure 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 dancer, a p
ये जो बोला है ना इसने एंटॉप हिल से इसको सीधा ढकल दो, ये बात मेरे भी दिल पे लगी है गाइस, क्योंकि मैं भी एंटॉप हिल का ही हूँ। दीवान भाई बहुत गलत जा रहा तुम भाई, आगे पड़ेगा आपको भाई, बता रहा हूँ मैं, ये लाइन मेरे भी दिल पे लगी है गाइस, लेकिन क्या करें, रैप है, होता है, चलता है। आगे देखो, ये था ना जो नई जलती जलती, क्योंकि अदरवाइज एमी बेस का रिप्लाई दे नहीं रहा है, तो इसके लिए तेरी नहीं चलती, इसके लिए वो लाइन था करना क्या, रिवाइंड तो बात है। गेम कर देंगे रफ्तार भाई इसको तो लंगर ही देंगे, मतलब समझ रहे हैं, रफ्तार को भी लेके, रफ्तार को भी अपने साइड में रख के एमवी को गोली मार रहे हैं, रिवाइंड खतरनाक। ये बात तो है, दीवान का रेस्पेक्ट एक अलग लेवल है, नेवी पे अलग लेवल है, दीवान का मेरे दिल में तो रेस्पेक्ट बहुत ही रहेगा, आप लोगों को भी दिल में क्या है जरा कमेंट करके बताओ। नकली हाथ से दूसरी के गाने, नकली हाथ से दूसरी के गाने, छोटे मोटे रोग से आपको हुए करते हैं, फट्टू भागेगा करता हुए सर पे, सीना तान किया नहीं जीते डर के, जिंदा कैसे हर महीने मरते, कभी इसके हाथ से कभी उसके हाथ से, खट्टा लग गया उसके मुख के हाथ से, वो चले तू हम मुख के आते, चिंगम खत्म चले मुख के आते, ये थू 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 किया है ना, मतलब अभी मेरे ऊपर उसने थूका है, बोले क्या है रखूंगा अभी, ये थू थू किया है ना मेरे ख्याल से एम वी वे के ऊपर ही है, मतलब थू थू थू, अभी मैं भावने देने वाला तेरे को, बताओ कर दिए इसको। ओ भाई इतना खतरनाक डिश गाइस, मैं बता रहा हूँ ये डिवाइन का बहुत 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 बटिस्टा बम वाला डिश था, एंड मुझे लगता है एमी बे को अब रिप्लाई दे देना चाहिए। मैंने एमी बे के कुछ इंस्टाग्राम की स्टोरी देखा, उसमें एमी बे बता रहा था कि वो अब डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाले, मतलब डिवाइन को भाव नहीं देने वाले, लेकिन दीवान भाई ने इतना खतरनाक डिस निकाला है ना गाइस, तो एमी बे को रिप्लाई दे देना चाहिए। अगर एमी बे रिप्लाई करता है तो हम फटांग वाला, अगर जैसे रफ्तार और उसका बीफ हुआ था उस तरीके से एमी बे दीवान को डिस करता है, तो गाइस मेरी नज़र में एमी बे वर्ल्ड का बेस्ट रैपर मानूंगा, मैं खुद उसको नोबल पुरस्कार दूंगा मतलब मैं खुद उसको, मतलब मेरे लिए एमी बे की रेस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, एंड बेस्ट रैपर होगा वो इंडिया का, एंड एज इन पूरे वर्ल्ड वाइड में। एंड अगर डिवाइन भी, मेरे ख्याल से डिवाइन भी चाहता है कि एमी बे उसको डिस करे, और डिवाइन ने शायद पहले से रिलिक्स बना के रखा हुआ है कि जब एमी बे मुझे ये बोलेगा मैं उसको ये बोलूँगा। 2 साल हो गए ये बात को, अब क्वारंटाइन चालू है, सब अपने अपने घर में मस्त है, डिवाइन भाई फुल 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 फ़ायदा उठा रहे, नोट कमा रहे, ऊपर से व्यूज़ तो आप देख ही रहे होंगे कितना फास्ट जा रहा है। और एमी बे का कुछ रिसेंटली मैंने स्टोरीज देखा तो उसका शायद कुछ एल्बम आने वाला है, तो पता नहीं अभी एमी बे डिस करता है नहीं करता है, मेरे ख्याल से एमी बे को डिस करना चाहिए। आप लोग जाओ एमी बे के इस पर कमेंट करो, एमी बे आप डिस करो डिवाइन को, एंड डिवाइन को भी बोलो कि आप अगर वो एमी बे नहीं कर रहा है तो अपना सेकेंड थर्ड डिस्ट्रैक निकालो, एंड एमी बे को मेरे ख्याल से रिप्लाई दे देना चाहिए। आप लोग बहुत सारा कमेंट कर दो एमी बे के स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, क्या डिवाइन को डिस करें,
क्योंकि अगर डिस करेगा तो ही तो मज़ा आएगा। अगर एमवीपी डिस नहीं करेगा तो पब्लिक एंटरटेनमेंट कैसे होगी? तो मेरे ख्याल से एमवीपी को डिस करना चाहिए। और एमवीपी ये वीडियो देख रहा है या फिर उसके कोई भी दोस्त लोग देख रहे हैं तो एमवीपी को बोलो कि उसको डिस करें और ख़तरनाक वाला डिस करें, क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो मालूम पड़ेगा कि अच्छा रैपर कौन है इंडिया में। एमवीपी तो ख़तरनाक है डिस ट्रैक में, लेकिन अगर डिमांड के मुकाबले देखते हैं कौन कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। जो जो डिवाइन को पसंद करते हो जो लाइक करो, और जो एमवीपी को पसंद करते हैं नीचे कमेंट करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो लोग मुझे न्यू देख रहे सब्सक्राइब करो। होप आप लोगों को ये वीडियो मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी कुछ ख़तरनाक होने वाली है, मैंने कुछ अच्छा सोचा है, तो देखते हैं अभी कैसा जाता है और कैसा नहीं। तो फिर चलो, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने अपने घर पे रहो, सेफ रहो, बाहर किसी भी हालत में मत निकलो। कोरोना आंटी घूम रही है, कभी भी आप लोगों को पकड़ सकती है, तो सतर्क रहिए। तो घर में रहो और घर से ही मचाओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अच्छे से, बाय बाय।